मध्य प्रदेश में जिला प्रभारी मंत्रियों के दौरे लगातार जारी हैं। दतिया में लोक निर्माण राज्य मंत्री एवं दतिया प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, कई बैठकों में हिस्सा लिया और जिले में चल रही शासकीय योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। लोक निर्माण राज्य मंत्री एवं दतिया प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ ने दतिया जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ जिला योजना समिति की बैठक की। इस बैठक में जिले में चल रही शासकीय योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी भी ली गई। इस मौके पर कांग्रेस के सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह, विधायक रक्षा संतराम सरोनिया, दतिया कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर सहित जिला समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रथम नगर आगमन पर जोरदार स्वागत कर वृक्षारोपण किया। जिला योजना समिति की बैठक में निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा गुणवत्ताहीन कार्यों पर चर्चा हुई। वहीं दतिया कलेक्टर ने शासन की चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह मेरा पहला कार्यक्रम है, बैठक में जो भी शिकायतें आई हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, गुणवत्ताहीन कार्य करने वालों को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। कांग्रेस के सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि दतिया कलेक्टर ने अपने आवास में सामुदायिक भवन बनवा लिया है जो अवैध है, यह राशि जनता के उपयोग की राशि है, यदि सामुदायिक भवन बनवाना था तो यह राशि शासन द्वारा उपयोग कर सकते थे। वहीं उन्नाव रोड पर निजी जमीन को वन विभाग की जमीन भी बता दिया गया है, जबकि वन विभाग ने लिख कर दे दिया है कि यह जमीन उनकी नहीं है। घनश्याम सिंह ने कहा, हमारे द्वारा जनहित के मुद्दे बार बार उठाते जाते रहेंगे, यदि कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस विपक्ष का जो कार्य है वही करेगी। वो मैंने उठाए हर विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में भी सड़कों का काम अवरुद्ध था, मेरे क्षेत्र में धीरे धीरे बन रही है। एक बिल्डिंग है भड़ौल में हायर सेकेंडरी स्कूल की, 2017 में से बनना शुरू हुई, अभी काम ही प्रारंभ नहीं हुआ। आप बता रहे हैं कि वो जमीन उपयुक्त नहीं है, उसके लिए जमीन ठीक करने के लिए 40 लाख और चाहिए, और तो ऐसी बातें थी मैंने उठाई और भी लोगों ने उठाई। कुछ मैंने एक दो बातें वैसी भी उठाई जो जनता से संबंधित है। एक तो दतिया नगर में जो 1944 के नक्शे के आधार पर 3 खसरा नंबर को वन विभाग की घोषित कर दी है, उसमें वन विभाग कहता है हमारी जमीन ही नहीं, हमको चाहिए नहीं। राजस्व विभाग कहता है कि नहीं, ये वन विभाग है। मुरारी लाल गुप्ता और उनके परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस रजिस्टर कर लिया, उसमें से एक सदस्य मुरारी गुप्ता का एक लड़का, उसका जन्म शायद 1978 का है, और केस ने बताया कि धोखाधड़ी 420 ने 1962 में की। आज माँ के चरणों में पहला मेरा दौरा था और पहली मेरी बैठक दतिया में थी, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे प्रथम बैठक यहाँ करने का, माँ के चरणों में आने का। हम सब लोगों ने आज बैठक को, मैं सब उपस्थित थे, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी, हमारे कलेक्टर साहब, SP साहब, कई बिंदुओं पर हम सब लोगों की चर्चा हुई थी, कई ऐसे बिंदु आए थे तो सारी बिंदुओं पर एक एक बिंदु पर हमने चर्चा की है, और कई काम में सुधार करने की ज़रूरत है, कई हमें नए विकास कार्य इस क्षेत्र के लिए लाने हैं, तो हम सब मिलकर लाएंगे। क्यों, यहाँ पे बहुत जुझारू हमारे लोकप्रिय गृहमंत्री दादा नरोत्तम जी हैं, मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, हम हैं, सरमंद महाराज साहब, सबके आशीर्वाद से हम दतिया के लिए अच्छे से अच्छे काम लाएंगे। हर बिंदु पर हमने एक एक विभाग की समीक्षा की, सारे विभागों की हम सब लोगों ने समीक्षा की, और सारे विभाग में थोड़ा बहुत हमको ऐसा लगा और हमने सब सुधार किया, अगली मीटिंग में सबको सुधार दिखेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।